नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर चिड़ियाघर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में रविवार को की रात में सफेद बाघ हिनमीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 2 शावक सफेद व 1 शावक पीला है। वहीं सोमवार को गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में पूर्व में बाघिन दुर्गा के 3 शावकों का आइसोलेशन पीरियड खत्म होने पर उन्हें नामकरण समारोह के तहत खुले केज में निकाला गया। टाइगर के छोटे छोटे शावक देखकर बच्चे खुशी में से उछल पड़े। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने सभी बच्चों एवं उपस्थित नागरिकों को टॉफियां बांटकर मुंह मीठा कराए। नगर निगम सभापति मनोज जादौन व निगम कमिश्नर हर्ष सिंह समेत बड़ी संख्या में सैलानी बच्चे उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विगत 28 जून 2024 को मादा टाइगर दुर्गा ने गांधी प्राणी उद्यान में 2 मादा व 1 नर कुल 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 शावक पीले व 1 सफेद था। इन नन्हे शावकों का आज नामकरण भी किया गया, जिनमें सभी उपस्थित लोगों से नाम लिए गए, जिसके बाद इनकी लॉटरी के आधार पर नामकरण किया जाएगा। ग्वालियर चिड़ियाघर में अब कुल 12 टाइगर संरक्षित है, जिसमें से 5 सफेद व 7 रॉयल बंगाल टाइगर है। आज हमारे ग्वालियर शहर में 3 नए शावकों का जन्म हुआ है, जिन्हें दुर्गा ने दिया। और रात में ही शायद खबर मिली है कि मीरा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया है, तो ये हमारे ग्वालियर शहर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ इन लोगों का नामकरण किया जाएगा, तो सभी ने बोर्डों पे अपने अपने सुझाव नाम लिखे हैं, तो लॉटरी में जो भी नाम निकलेगा वो रखा जाएगा। और बच्चों के लिए तो बहुत उत्साह की चीज़ है, क्योंकि आज हम ही लोग जब इनको खेलते देख रहे हैं तो बड़ा मन खुश हो रहा है। क्योंकि सही बात है, कोई सी बात वो तो जानवरों के बच्चे हो या इंसानों के हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। बहुत गौरव की बात है, क्योंकि व्हाइट शावक वाकई में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और पीले शावक भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पीले हैं तो वाह, तो क्योंकि सभी शावक बच्चे अगर देखो तो वाकई में सब मतलब मनमुकुम हो रहे हैं इस टाइप के, मतलब उनके उस खेल कूद को देख के भी मन प्रसन्न हो रहा है। और हमारे यहाँ खासकर ग्वालियर में जू में लगातार जो टाइगर की संख्या बढ़ती आ रही है, आज हमारे पास कुल संख्या 12 पहुँच गई है। 3 जो शावक आज सबके सामने लाए गए हैं, इनका जन्म करीब 1 महीने पहले हुआ था, और आप देख रहे हैं कि सभी स्वस्थ हैं और खेल कूद कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। इसके अलावा कल रात में भी 3 शावकों का जन्म हुआ है, और उनको भी पूरी प्रक्रिया के बाद उनको भी सबके सामने लाया। नामकरण हम लोग की एक प्रक्रिया पहले से रहती है कि सब लोग यहाँ नाम लिख के जाते हैं, अपना चयन करते हैं, और उसके बाद लॉटरी निकाल के उनका नामकरण किया जाएगा। उपलब्धि है यहाँ सबसे ज़्यादा वाइट, बिल्कुल है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रबंधन को भी मतलब उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और पूरी प्रक्रिया जिस तरह साइंटिफिक तरीके से की जाती है, डॉक्टर्स हमारे हैं जो काम करने में लगे हैं, उनकी बदौलत ही ये संभव हो। अच्छा लग रहा है कि हमारे ऐसे ग्वालियर प्रदेश में ऐसे भी कोई चीज़ें जो देख सकते हैं लोग, बाघ देखने के लिए आ सकते हैं। और 3 ये अभी हुए हैं, इनका नामकरण का अभी पता चला कि ऐसा ऐसा इनका नामकरण का हो रहा है, तो हमने भी कुछ सोचा कि अमर अकबर एंथनी ऐसा नाम रखें, और काफ़ी सारे इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। और अच्छा लग रहा है कि आए लोग बाघ देखें और पता चला कि ग्वालियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, मेरे को भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है, तो मैं पहली बार देखने आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी मतलब सिटी में ऐसा भी कुछ है जो अपन देख सकते हैं मन की घूमने। हाँ, यहाँ पर क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को आना चाहिए, मतलब और भी बहुत लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपन को, और इनको मतलब साफ सफाई वगैरह सब रखनी चाहिए, देख के अच्छा लगना। अपने आसपास की अन्य खबरों को देखने के लिए प्रथम न्याय न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।